हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये प्रोराटा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। यहाँ पे लिखता है 4 लाख शेयर से 10 रुपया वाला 7 रुपया प्रीमियम है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है जिसमें 9 रुपया ले रहे हैं, 4 रुपया प्रीमियम का इंक्लूडेड है, यानी 5 रुपया कैपिटल और 4 रुपया प्रीमियम, और बाकी जो है कॉल में ले रहे हैं। एक ही कॉल है जिसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या सिर्फ कॉल भी आप बोल सकते हैं। तो देखो, पैसा कुछ इस प्रकार ले रहे हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 9 रुपीज, 5 रुपया कैपिटल, 4 रुपया प्रीमियम, और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसमें 8 रुपया, 5 रुपया कैपिटल और 3 रुपया प्रीमियम। एप्लीकेशन आया 5,70,000 शेयर्स के लिए, अलॉटमेंट कुछ इस प्रकार की है, 3,50,000 को 2,50,000 दिए तो 1 लाख एडजस्ट होगा, 2 लाख को 1,50,000 दिए तो 50,000 एडजस्ट होगा, और 20,000 को कुछ नहीं दिए तो इसका पूरा रिफंड होगा। तो ये टेबल बनेगा, 3,50,000 को 2,50,000 दिए 1 लाख एडजस्ट, 2 लाख को 1.5 लाख दिए 50,000 एडजस्ट, और 20,000 को कुछ नहीं दिए तो पूरा का पूरा रिफंड। पहला एंट्री करेंगे बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ अलॉटमेंट साथ में है, तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5,70,000 इंटू 9 रुपया, यानी आ गया 51,30,000। अब इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो 4 लाख शेयर्स का 5 रुपया सिर्फ कैपिटल में जाएगा और 4 लाख शेयर का 4 रुपया प्रीमियम में जाएगा। ये जो एडजस्ट होता था, हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट होते थे, अलॉटमेंट में यहाँ एडजस्ट नहीं करके यहाँ कॉल में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करते हैं। ये जो भी पैसा आता था हम लोग ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट में एडजस्ट करते थे, यहाँ अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन के साथ ही है, तो जो बच गया यानी जो एडजस्ट होगा वो कॉल में एडजस्ट होगा। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अब कॉल है, तो यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, 1.5 लाख शेयर का 9 रुपया करके, और जो रिफंड होता है वो 20,000 शेयर का 9 रुपया करके बैंक में जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान रहने वाला बात है कि ये जो एडजस्ट होगा यहाँ इक्विटी शेयर कॉल लिखेंगे। हम लोग यहाँ पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखते थे क्योंकि अलॉटमेंट में एडजस्ट होता था, इसमें इक्विटी शेयर कॉल लिखेंगे क्योंकि कॉल में एडजस्ट होगा। बुक में यहाँ कॉल्स इन एडवांस लिखा है, वैसा लिखने का कोई जरूरत नहीं, आप कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे तो फिर कॉल के टाइम में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी डेबिट करके कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन इक्विटी शेयर कॉल लिखेंगे तो वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा जैसे अलॉटमेंट का होता था। बुक में एक इलस्ट्रेशन है सुदर्शन लिमिटेड, उसमें सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ कॉल्स इन एडवांस लिखा तो फिर उससे क्या होगा, देखिए आगे समझाते हैं। हम लोग यहाँ पे इक्विटी शेयर कॉल लिखें जैसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखते थे, अब कॉल का पैसा मांगे 4 लाख शेयर का 8 रुपया करके, 5 रुपया कैपिटल और 3 रुपया प्रीमियम, फिर रिसीव करेंगे तो अगर आप यहाँ कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करेंगे तो फिर यहाँ कॉल्स इन एडवांस डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन इक्विटी शेयर कॉल क्रेडिट किए तो वो अपने आप डेबिट मतलब कैंसिल हो जाता है, फिर उसको कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे 32 लाख हम लोग कॉल का डेबिट किए, उसमें से 1350 ऑलरेडी क्रेडिट है, यानी 1850 और मिलेगा, तो ये अपने आप हो गया, यहाँ कॉल्स इन एडवांस हम लोग को डेबिट नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ दो जन का एरियर है, 32 लाख मांगे हम लोग कॉल में, 1350 पहले से क्रेडिटेड था तो 1850 और मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ दो जन का एरियर है। देखो लिखता क्या है, ए हु बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी एंड वॉज अलॉटेड 500 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, बी हु बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी एंड वॉज अलॉटेड 300 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। ए जो कि पहले कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके पास 500 शेयर है, वो कॉल का पैसा नहीं दिया, तो पहला कैटेगरी में 2.5 लाख अलॉट हुआ है 3.5 लाख एप्लीकेशन में, तो 1 होगा 35/25, तो इसका 500 होगा 700 एप्लीकेशन, तो एक्सेस एप्लीकेशन आया 200, एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया 1800। अभी हम लोग को अलॉटमेंट में नहीं बोल के यहाँ कॉल लिखना होगा, कॉल में चाहिए इससे 500 शेयर का 8 रुपया करके, यानी 4000 रुपया, 4000 में 1800 पहले से जमा है तो एरियर होगा 2200 रुपया। उसी तरह बी का आते हैं, बी सेकेंड कैटेगरी से, सेकेंड कैटेगरी में 1.5 लाख दिए हैं 2 लाख में, तो 300 दिए होंगे 400 में, तो एक्सेस एप्लीकेशन आया 100, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया 900, और अभी कॉल में उससे चाहिए 300 शेयर का 8 रुपया करके 2400, 2400 में 900 पहले से जमा है तो बच गया 1500, ही हो गया एरियर, तो टोटल एरियर हो गया हम लोग का कॉल में 3700। तो जो काम हम लोग बाकी क्वेश्चंस में हम लोग अलॉटमेंट में करते थे, वो ऐसा काम यहाँ पे हम लोग कॉल में कर रहे, क्योंकि यहाँ पैसा कॉल में एडजस्ट हो रहा था, ठीक है। तो कॉल में हम लोग को मिलना चाहिए था 1850, जिसमें 3700 एरियर हो गया, तो बचा 1,46,300। अब दोनों के शेयर को फॉरफिट कर लिए और फिर सारा का सारा रीइशू कर दिए, तो हम आपको बताएं थे अगर सारा रीइशू हो रहा है तो हम लोग एक साथ फॉरफिट कर सकते हैं, तो इसका 500 शेयर और इसका 300 शेयर 800 शेयर एक बार में फॉरफिट कर लेंगे, तो 800 शेयर का कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट जाता है, कॉल्ड अप है 10 रुपया, प्रीमियम जो नहीं मिला वो डेबिट करते हैं, प्रीमियम नहीं मिला यहाँ कॉल वाला 3 रुपया करके, यानी 2400 रुपया, एरियर 3700, तो बच गया वो चला गया फॉरफिचर। अब लिखता सारा शेयर हम लोग रीइशू कर दिए 15 रुपया करके, तो 800 शेयर 15 रुपया में रीइशू किए यानी 12000 रुपया आया, 800 शेयर है 10 रुपया वाला यानी 8000, तो 4000 ज्यादा आ गया, वो चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, तो कुछ भी यूटिलाइज तो हुआ नहीं फॉरफीचर का, तो 6700 पूरा हो जाएगा कैपिटल रिजर्व, क्योंकि सारा शेयर रीइशू हो गया।
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुदर्शन लिमिटेड वाला इलस्ट्रेशन भी हम पीडीएफ में दे देंगे, आप उसको भी जरूर से बनाइएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन हमको एक स्टूडेंट भेजा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। यहाँ प्रोडाटा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो। लिखता है डब्ल्यू लिमिटेड इशू किया 10,000 शेयर 100 रुपया वाला, ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ 80 रुपया ही हम लोग अभी मांगे हैं, एप्लीकेशन में 25 रुपया, अलॉटमेंट में 20 रुपया, फर्स्ट कॉल में 20 रुपया और सेकेंड कॉल में 15 रुपया, फाइनल कॉल अभी होना बाकी है। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। देखो लिखता है अमाउंट्स वर रिसीव्ड एज फॉलोज, 8,000 शेयर पे द फुल अमाउंट कॉल्ड। तो इस टाइप का टेबल हम लोग बनाएंगे। लिख रहा है 8,000 शेयर पे सारा पैसा मिला, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 80 रुपया आप मांगे, पूरा 80 रुपया मिल गया। तो एप्लीकेशन में मिला 2,00,000 रुपये, 8,000 शेयर का 25 रुपया करके, अलॉटमेंट में 1,60,000, फर्स्ट कॉल में 1,60,000 और सेकंड कॉल में 1,20,000, फिर 1,200 शेयर्स पे मिला 65 रुपीज़ करके, 65 मिला यानी सिर्फ फर्स्ट कॉल तक मिला, 65 मिला इसका मतलब 1,200 शेयर का सिर्फ यहाँ तक मिला, हम लोग सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला। तो 1,200 × 25 हो गया 30,000, ये हो गया 24,000 और ये भी हो गया 24,000, सेकंड कॉल नहीं मिला। फिर 500 शेयर पे मिला 45 रुपया करके, 500 शेयर का 45 रुपया मिला, इसका मतलब सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिला। तो यहाँ मिला 12,500 और यहाँ मिला 10,000, ये दोनों नहीं मिला। और 300 शेयर पे मिला सिर्फ 25 रुपया करके, 300 शेयर का सिर्फ 25 रुपया मिला, यानी यहाँ मिला 7,500 और ये तीनों नहीं मिला। तो देखो 10,000 टोटल शेयर्स है, एप्लीकेशन में तो पूरा 2,50,000 रुपया मिला, अलॉटमेंट में मिला 1,94,000, फर्स्ट कॉल में मिला 1,84,000 एंड सेकंड कॉल में मिला 1,20,000, ये हम लोग का बैंक वाला अमाउंट निकल गया। बैंक में जो जो जाएगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब निकल गया। तो बैंक में जाएगा बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 2,50,000 रुपये आया, इसको कैपिटल में ट्रांसफर किए, अलॉटमेंट मांगते पूरा है तो 10,000 शेयर का 20 रुपया करके अलॉटमेंट में मांगे, लेकिन मिला है देखो सिर्फ 1,94,000, तो 6,000 रुपया एरियर हो गया। फिर फर्स्ट कॉल भी वैसे ही मांगेंगे हम लोग 10,000 शेयर का 20 रुपया करके 2,00,000 रुपया, लेकिन फर्स्ट कॉल में देखो मिला 1,84,000, तो 16,000 एरियर हो गया। फिर सेकंड कॉल मांगेंगे 10,000 शेयर का 15 रुपया करके, यानी 1,50,000 रुपया, और देखो सेकंड कॉल में मिला 1,20,000 रुपया, यानी 30,000 एरियर हो गया। यहाँ 30,000 हम लोग का एरियर हो गया। तो ये टेबल बनाने से हम लोग का ये 8 एंट्री आराम से हो जाएगा। अब लिखता डायरेक्टर वैसे शेयर को फॉरफिट किया जो लोग 65 रुपए से कम दिए, द डायरेक्टर फॉरफिटेड दो शेयर्स ऑन विच लेस देन 65 पर शेयर वर रिसीव्ड। तो देखो 300 शेयर पे 25 रुपया मिला, ये 65 से कम है, इसको फॉरफिट करेंगे। 500 शेयर पे 45 मिला, ये भी 65 से कम है, इसको फॉरफिट करेंगे। 1200 शेयर में 65 मिला, ये फॉरफिट नहीं करेंगे। और जो 8000 शेयर था उस पे तो पूरा मिला, तो वो भी फॉरफिट नहीं करेंगे। तो ये नीचे वाला 500 और 300 शेयर हम लोग फॉरफिट करेंगे, ये 500 और 300 शेयर फॉरफिट करेंगे, यानी ये 800 शेयर हम लोग को फॉरफिट करना है। तो 800 शेयर फॉरफिट करेंगे, कॉल्ड अप है 80 रुपया करके, यानी 64,000 मांगे हैं, एरियर में लिखते हैं क्या नहीं मिला और फॉरफीचर में लिखते हैं क्या मिला। तो इस टेबल में आप देखें तो इस 800 शेयर पे क्या मिला वो हम लोग के पास है। देखो ये 12,500 मिला, ये 10,000 मिला और ये 7,500 मिला। तो इस 800 शेयर पे ये 30,000 रुपीज़ टोटल मिला है, 12,500, 7,500 और 10,000, टोटल 30,000। तो 30,000 मिला है, ये फॉरफीचर में चला जाएगा, तो जो बच गया 34,000 ये एरियर्स में चला जाएगा। बस इतना ही करना है, यहाँ कोई रीइशू वगैरह नहीं है, तो इसको भी आप अच्छे से बना लीजिएगा।